वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन शुरू कर रहे हैं कोनिक सेक्शन, जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे। तो अगली जो यूनिट है वो है आपकी कोनिक सेक्शन। और इसको कोनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं, सबसे पहले अपन उस पर थोड़ा विचार कर रहे हैं, कोनिक सेक्शन इसका नाम क्यों पड़ा, और फिर अपन इस पर आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। इसको कोनिक सेक्शन इसलिए बोलते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, मेन हेडिंग है कोनिक सेक्शन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, नया है सर, न्यू चैप्टर है ना। कोनिक सेक्शन, इसमें पहला सब हेडिंग डाल लें, सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाय डिफरेंट प्लेन्स। सर ये नया चैप्टर है क्या? सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन बाय डिफरेंट प्लेन्स। अगला चैप्टर है ये, और इसमें हेडिंग डालेंगे कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का मतलब है हियर वी टेक अ राइट सर्कुलर कोन, और उस राइट सर्कुलर कोन का हम डिफरेंट प्लेन से सेक्शन करेंगे। मतलब राइट सर्कुलर कोन को प्लेन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से इंटरसेक्ट करेंगे। और जब आप प्लेन की डिफरेंट पोजीशन से एक राइट सर्कुलर कोन को इस तरीके से सेक्शन करेंगे, तो आपको कुछ जो शेप मिलेंगे वो शेप आपको मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो हियर वी टेक राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन अपन ले लेते हैं। तो ये जो है दिस इज द सर्कुलर बेस, ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड द एक्सिस, ये लाइन को एक्सिस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स, ये है आपका वर्टेक्स। और इस राइट सर्कुलर कोन में ये जो लाइन है दिस साइड, दिस इज कॉल्ड द जनरेटर, तो ये जनरेटर को एक्सिस के अबाउट किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर दीजिए, तो आपको जो शेप मिलेगा वो राइट सर्कुलर कोन मिलता है। और दिस इज कॉल्ड द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये जो है अल्फा, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक लाइन लिया है एक्सिस, ये एक्सिस है, और एंगल अल्फा से हमने एक जनरेटर बनाया, ये जनरेटर है, और ये जनरेटर को एंगल अल्फा से रोटेट कर दिया है इस लाइन के चारों तरफ। तो जो शेप बनेगी वो एक राइट सर्कुलर कोन बनेगा, दिस इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। और अब इस राइट सर्कुलर कोन को प्लेन की डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से जब आप इंटरसेक्ट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलेंगी, उनको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं। सबसे पहली बात, जब आप किसी कोन को एक प्लेन के थ्रू इंटरसेक्ट करें, क्योंकि प्लेन इस वर्टिक से पास हो रहा हो, तो जब आप इस वर्टिक से प्लेन को पास करा के इस कोन को काट देंगे
तो आपको ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा और बोथ दी लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि हियर वी टेक अ पेज, एक अपन पेज ले लेते हैं, बताता हूँ आपको करके। अच्छा, ये जो पोजीशंस हैं ये आपसे नहीं पूछी जाती हैं, कहीं भी नहीं आएगा, बस आपको केवल इतनी बात मैं वेरीफाई करता हूँ कि इसको आप कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं, कॉनिक सेक्शन बोलने के पीछे इसका रीजन क्या है, तो वो अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। और वो समझने के लिए मैं यहाँ पर ये पेज ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं, पेज ले लेते हैं ना बच्चा एंटर करते। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए हमने सबसे पहले कोन बनाना और इस तरीके से एक कोन ले लिया, ये कोन है आपका, ठीक है। अभी आपको बोला है कि आपने कोन को प्लेन से इंटरसेक्ट कराना है, ये कोन है राइट सर्कुलर कोन मान लेते हैं इसको, भाई ठीक। तो जब भी आप इस कोन को किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करोगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन लेनी है प्लेन की। मुरमुरे खा लेते हैं, इसमें रखते हैं। ये राइट सर्कुलर कोन है और इस राइट सर्कुलर कोन को हमने एक प्लेन से इंटरसेक्ट करना है और वो प्लेन जो है वो इस वर्टिक्स से पास होते हुए, और वर्टिक्स से पास होते हुए इसको जब आप काटेंगे तो ये पोर्शन जब आपका कोन का कट जाएगा तो इसको अपन ऐसा दबा देते, तो आप देखिए ये दबने के बाद दो लाइन बन जाती हैं। ये प्लेन से काट दिया, काटने के बाद इस तरीके का दिखेगा और दीज आर दी टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स। तो व्हेन वी ड्रॉ अ प्लेन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ दिस राइट सर्कुलर कोन, और प्लेन से जब ये वर्टेक्स से पास होता हुआ प्लेन से आपने जब इस कोन को सेक्शन किया तो फिर ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से, और ये जो दो लाइन है बोथ दी लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास होने वाले लाइन। और चूंकि ये राइट सर्कुलर कोन है तो राइट सर्कुलर कोन का मतलब इसका जो बेस है वो सर्कुलर है, और इसलिए जब आप दूसरी पोजीशन प्लेन की लेंगे, व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू द सर्कुलर बेस, जब प्लेन सर्कुलर बेस के पैरेलल रख के आप इसको काटेंगे, सेक्शन करेंगे, तो मैंने प्लेन से इसको काटा, ऊपर की जो टोपी है वो उड़ा दी, तो आपको जो शेप मिलेगा वो सर्कुलर शेप मिलेगा, मतलब सर्कल होगा। तो व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू द सर्कुलर बेस देन जो शेप आपको मिलेगी वो मिलेगी सर्कल। जब भी आप प्लेन को जनरेटर के पैरेलल रख के इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जो आपका प्लेन है वो प्लेन मैंने जनरेटर के पैरेलल रख के काट दिया, तो आपको जो शेप मिलेगा वो इस तरीके का शेप मिलता है जिसको अपन बोलते हैं पैराबोलिक शेप। तो व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर, जनरेटर के पैरेलल रख के आपने प्लेन से इसको इंटरसेक्ट किया तो जो शेप मिलेगी वो मिलेगी पैराबोलिक शेप। एलिप्स के लिए हियर वी टेक अ प्लेन विच इज Neither parallel to x-axis, मतलब neither parallel to axis, nor parallel to the circular base. ये circular base के और axis के ना तो parallel होना चाहिए ना उनपे perpendicular होना चाहिए, मतलब मैंने कुछ इस तरीके से प्ले लिया कोई angle बनाता हुआ, तो आप देखोगे जब कटेगा तो shape ऐसा देगा। जब आप circular base के parallel रखोगे तो circle बनेगा, बट सर्कुलर बेस के पैरेलल ना रख के थोड़ा सा तिरछा रख के काटेंगे तो जो शेप आपको मिलेगी वो मिलेगी एलिप्स। और हाइपरबोला के केस में ऐसे ऐसे दो आपने कोन लेने हैं, राइट सर्कुलर कोन
दोनों को एक दूसरे के वर्टेक्स पे रखना है, मतलब ऐसी बात कर रहा हूं मैं, ये एक राइट सर्कुलर कोन है, दूसरा राइट सर्कुलर कोन ये है, और अब आप प्लेन को यहां से जब इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको इस तरीके की शेप मिलेगी, मतलब एक आपको ऊपर मिलता है एक नीचे मिलता है। तो दो दो राइट सर्कुलर कोन को इस तरीके से रख के जब आप प्लेन को इंटरसेक्ट कराएंगे तो आपको ये शेप मिलेगा, और ये शेप होता है हाइपरबोलिक शेप। मतलब ये जितने भी आप बार बार नाम सुने हो, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला और सर्कल और पेयर ऑफ लाइंस, ये सारे के सारे राइट सर्कुलर कोन के सेक्शंस हैं, जबकि राइट सर्कुलर कोन को प्लेन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से इंटरसेक्ट किया है। जब ये प्लेन वर्टेक्स से पास होता हुआ इस सर्कुलर को राइट सर्कुलर कोन को काटेगा तो दो लाइन मिलेंगे, बोथ दी लाइंस पासिंग थ्रू दी वर्टेक्स। व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू दी सर्कुलर बेस देन वी गेट अ सर्कल, व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू दी जनरेटर देन वी गेट दी पैराबोला, व्हेन दी प्लेन इज neither parallel to axis nor perpendicular to axis then we get ellipse। और जब भी आप इस तरीके से right circular cone को, दो right circular cone को एक दूसरे के vertex पे रख के आप plane से intersect कराओगे so we get hyperbola। तो ये chapter का नाम conic section क्यों दिया गया, क्योंकि ये सारी जो position है, ये सारे जो नाम है, ये सारे जो shapes हैं, ये आप right circular cone को प्लेन की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से इंटरसेक्ट करा के ला सकते हो, इसलिए दे आर कॉल्ड दी कोनिक सेक्शन। तो ये सारे कोनिक सेक्शंस के नाम इसलिए पड़े। और इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, आगे इसका कोई कोई यूटिलाइजेशन थ्योरी में नहीं है। बस आपको ये समझना है कि एक ख्याल मन में आता है कि भाई कोनिक सेक्शन काहे बोल रहे हैं इसको, तो कोनिक सेक्शन बोलने के पीछे रीजन ये है कि राइट सर्कुलर कोन को प्लेन की डिफरेंट पोजीशन से जब हम इंटरसेक्ट करेंगे सो वी गेट डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, और इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को हमने अलग अलग नाम दिए हैं, कभी हम इसको पैराबोला बोलेंगे, कभी इलिप्स बोलेंगे, कभी हाइपरबोला, कभी सर्कल और कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। टोटल 5 स्टैंडर्ड टर्म है। और अब ओवरऑल मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, विच इज द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। ये पूरा कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन है, मतलब ये पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की सबकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसको आप ध्यान से समझिए, कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन अपन लिख रहे हैं कि कोनिक सेक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इसमें है डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो लिखिए यहां पर, कोनिक सेक्शन is locus of moving point which moves so that the ratio of its distance from a fixed point and from a fixed straight line is always remains constant लाइन चेंज करके लिखेंगे, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड constant ratio is called
एसेंट्रिसिटी, कांस्टेंट रेशियो को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ई डबल सी ई एन टी आर आई सी आई टी वाई, एसेंट्रिसिटी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होल कोनिक सेक्शन। मतलब आगे से आपको पैराबोला को, इलिप्स को और हाइपरबोला को डिफाइन करना होगा, तो हर बार ही आप यही लेंगे। इसको मैं आपको डायग्राम में भी डेफिनेशन लिख के बता रहा हूँ अगले पेज पर। इट इज लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट। मतलब आपको जब भी कोनिक सेक्शन को डिफाइन करना है तो आपको दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो फिक्स पॉइंट चाहिए और एक तो फिक्स स्ट्रेट लाइन चाहिए। और किसी मूविंग पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, तो हमेशा जो शेप बनेगी वो आपकी कोनिक सेक्शन होगी। और जो कांस्टेंट रेशियो होता है उसको अपन एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। जो फिक्स पॉइंट है उसको फोकस, और जो फिक्स लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और कांस्टेंट रेशियो। जो पॉइंट आपने फिक्स किया है वो फोकस कहलाएगा, जो लाइन आपने फिक्स करी है वो स्ट्रेट लाइन, जो फिक्स करी है वो डायरेक्ट्रिक्स, और जो दोनों में रेशियो आपने निकाला है उस कॉन्स्टेंट रेशियो को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। एसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करेंगे। ये मैं अगले पेज पर लिख रहा हूँ। तो दिस इज द डेफिनेशन। आपको चाहे पैराबोला को डिफाइन करना हो, एलिप्स को डिफाइन करना हो, हाइपरबोला को डिफाइन करना हो, हर जगह डेफिनेशन ऐसे ही होगा कि एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसका लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। आप यदि इस बात को अभी डायग्राम में देखेंगे तो और क्लियर होगा। पहले इतना नोट कर लीजिए, टेक दी स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। कोई इसमें आपको अभी डाउट है तो पूछ लीजिए। ये डेफिनेशन है, लर्न करना है, और जैसे जैसे कोनिक सेक्शन में आगे पढ़ेंगे ये ऑटोमेटिकली अपने आप आपको लर्न हो जाएगी। सर, सर इसका आगे का यूज होने वाला है क्या? नहीं नहीं, आगे कोई यूज नहीं है, आगे डेफिनेशन का बस यूज रहेगा। डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है? तो अपन डेफिनेशन डायग्राम में समझा रहा हूँ, अगले पेज पर जो लिखा है वर्डिंग में उसको नोट कर लें, ये अपन डायग्राम में अभी समझेंगे तो और क्लियर हो जाए। तो पेज नंबर दो, इसको अपन इतना पढ़ने वाले हैं ना कि अपने आप लर्न हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखना कि जो आपने जहां पर एसेंट्रिसिटी पे खत्म किया, एसेंट्रिसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, फॉर पैराबोला एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू वन, फॉर एलिप्स एसेंट्रिसिटी लेस देन वन, और फॉर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज मोर देन। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है कि हमेशा ऐसा होता है। पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, जो तीन बातें अब आपने पढ़नी है, उन तीनों के लिए एसेंट्रिसिटी ये होती। और आपको जो डेफिनेशन अभी मैंने बताया उसको मैं लिख के बता रहा हूँ कि आपने अभी वर्ड्स में लिखा था, और यदि आप जब क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने जाएंगे, कोनिक सेक्शन निकालने जाएंगे, तो आपको क्या क्या गिवन होगा या क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहली बात तो एसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करते हैं। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू वन, एलिप्स के लिए लेस देन वन, और हाइपरबोला के लिए इट इज मोर देन वन। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन आपने लिखा वो डेफिनेशन को मैथमेटिकली आप कैसे फर्दर आगे लेके जाएंगे। सो इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन पे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अभी तो आपने कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी,
लेकिन वो डेफिनेशन को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मतलब इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने पूरी बात जो है वो डेफिनेशन लिख लिख के तो करना नहीं है, आपको इक्वेशन से बातें करनी है। जैसे आपने सर्कल अभी पढ़ के आए, तो सर्कल का शेप तो आप जानते हो, लेकिन सारी बातें अपन ने सर्कल के इक्वेशन से करी है, ठीक है। सो सिमिलरली कॉनिक सेक्शन को किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो आप यहाँ पर समझिए। तो सबसे पहली बात जो रिक्वायरमेंट होती है कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन बनाने के लिए, हमने मान लिया क्योंकि आपने अभी जो डेफिनेशन लिखा उसमें ये डेफिनेशन लिखा है कि कॉनिक सेक्शन जो है ये लोकस है एक मूविंग पॉइंट का, जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो कॉन्स्टेंट होता है। तो हमको दो चीजें रिक्वायर्ड है, जैसे सर्कल में दो चीजें रिक्वायर्ड थी, सेंटर और रेडियस। जब कॉनिक सेक्शन की बात आएगी तो दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, एक तो फिक्स पॉइंट जिसको आगे चल के आप फोकस बोलोगे, और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन जिसको अपन डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। तो वो दो बातें आपको रिक्वायर्ड है। तो यहां पर हमने वही मान लिया कि लेट हमेशा फोकस को एस से डिनोट करेंगे, फिक्स पॉइंट। सो लेट एस अल्फा बीटा बी फोकस, मतलब फिक्स पॉइंट, एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो लाइन है इज डायरेक्ट्रिक्स, देन इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन विथ एसेंट्रिसिटी E is given by the equation। तो जो अभी आपने डेफिनेशन लिखा था, देखिए अभी हमने क्या किया है, एक लाइन फिक्स कर दिया, ये लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ये हमारी डायरेक्ट फिक्स है। एक पॉइंट फिक्स कर दिया, दिस इज अवर फिक्स पॉइंट एस अल्फा कॉमा बीटा, और एक हमने मूविंग पॉइंट दिया पी एक्स कॉमा वन, जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है कि इस पी का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस पी का इस लाइन से डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन, मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंसेस का रेशियो क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट रेशियो को एसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और एसेंट्रिसिटी हमने कॉनिक सेक्शन की ही बात, मतलब जब भी कॉनिक सेक्शन आपसे पूछा जाएगा तो आपको पॉइंट दिया जाएगा, आपको लाइन दिया जाएगा, और आपको एसेंट्रिसिटी भी दिया जाएगा। एसेंट्रिसिटी देख के आप बता सकते हो कि वो पैराबोला बनेगा कि इलिप्स बनेगा कि हाइपरबोला, कि एसेंट्रिसिटी इज एनी नंबर, क्योंकि एसेंट्रिसिटी क्या है, इन दो डिस्टेंसेस का रेशियो। यदि ये दो डिस्टेंसेस का रेशियो आप निकालोगे तो रेशियो आपको कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब वो नंबर में तीन बातें हो सकती हैं, या तो वो नंबर वन आएगा, या वन से बड़ा आएगा, या वन से छोटा आएगा। यदि नंबर वन आ गया तो जो शेप बनेगी वो पैराबोलिक बनेगी, लेस देन वन आई तो एलिप्स बनेगी, और मोर देन वन आई तो हाइपरबोला। तो आपको जब एसेंट्रिसिटी गिवन होगा तो एसेंट्रिसिटी देख के आप बता दोगे कि कॉनिक सेक्शन आपका पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला। बाकी पैराबोला का, इलिप्स का और हाइपरबोला का सबका डेफिनेशन यही है, इट इज पी एस बाय पी एम। याद रखें हमेशा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस न्यूमरेटर में और लाइन से डिस्टेंस डिनोमिनेटर में लेनी है, पी एस बाय पी एम लेना है। तो इट इज लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट विच मूव सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम फिक्स स्टेट लाइन्स इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस, द फिक्स लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स, and the constant ratio is called the eccentricity। For parabola, eccentricity is equal to 1, for ellipse, eccentricity is less than 1, for hyperbola, it is less more than 1। तीन बातें हैं। So ये है, इसको अपन और further अब लेके जा रहे हैं आगे, क्योंकि मेरे को directrix की equation भी दे रखी है, मेरे पास directrix का equation ये है। तो question में याद रखें, fixed point दिया जाएगा, fixed line दी जाएगी, दोनों fixed हैं। फिक्स का मतलब अपनी जगह से हिलेंगे नहीं,
केवल हिलेगा, मूव करेगा तो ये पॉइंट पी, और यदि इस पी को आप इस तरीके से मूव कराओ, ये दोनों डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट बना रहे, तो जो शेप बनेगी वो पैराबोला बन सकती है, इलिप्स बन सकती है और हाइपरबोला बन सकती है। ये डिपेंड करेगा ई पर, यदि ई का वैल्यू वन है तो शेप हमेशा पैराबोलिक, ई लेस देन वन है तो इलिप्स, और यदि ई मोर देन वन है तो फिर वो हाइपरबोला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस कैलकुलेशन को हमने आगे और बढ़ाना है। मतलब कैसे आगे बढ़ाना है कि इसमें मैं पीएस बराबर ई इनटू पीएम लिखूंगा। पीएस आप जानते हो डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर, और ई पीएम क्या होता है, पॉइंट से लाइन पे ड्रॉ परपेंडिकुलर का लेंथ, वो आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। ये लेंथ आती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पी एस बराबर ई इंटू पी एम हो गया। इसको मैं फर्दर और आगे लेके जाऊंगा। मतलब हर चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो और हाइपरबोला हो, तीनों के सवाल में आपको एक साथ बता रहा हूँ कि जब भी आप सॉल्व करोगे कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन तो हमेशा ऐसी इक्वेशन बनेगी। बस फर्क इतना होगा कि जब ई वन होगा तो ये पैराबोला बनेगा, ई लेस देन वन होगा तो इलिप्स बनेगा, और ई मोर देन वन होगा तो हाइपरबोला बनेगा। तो यहाँ तक तो सब जगह सेम करना है, सबकी डेफिनेशन सेम है। मतलब पैराबोला की डेफिनेशन लिखना है तो यही लिखोगे, बस ई बराबर वन लिख देना। इलिप्स में डेफिनेशन यही लिखना है, बस ई लेस देन वन। हाइपरबोला की डेफिनेशन यही है, बस ई ग्रेटर देन वन। बाकी हमेशा पी एस बाय ई इंटू पी एम लिखेंगे। इतना नोट करिए, आगे बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से समझिएगा। पेज नंबर 3 ये स्टार्टिंग है, और जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको जो है इसमें जो डिफरेंस है वो क्लियर होता चला जाएगा। सर ये सेंट्रिसिटी सिर्फ कर्व्ड सरफेस के लिए होती है क्या? हाँ, और आगे कुछ कर्व आपको मिलेंगे जिसमें एसेंट्रिसिटी के साथ सेंटर भी मिलेगा। एसेंट्रिसिटी जो है, एसेंट्रिसिटी बस आप ये मानो कि एसेंट्रिसिटी जो है इट इज अ कांस्टेंट रेशियो। यदि आप बात कर रहे हो कि आपको बोला कि डेफिनेशन में तो आपने ये भी लिखा कि जो है पी एस बाय पी एम कांस्टेंट होता है, और कोन का जब आपने सेक्शन किया था तो कोन का सेक्शन सर्कल भी बन रहा था, पैराबोला भी बन रहा था, एलिप्स भी बन रहा था, हाइपरबोला भी बन रहा था, और वो पेयर ऑफ लाइन भी बन रहा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बन रहा था। तो जब आपको ये सर्कल बनाएगा या फिर पेयर ऑफ लाइन बनाएगा तो सर्कल के लिए जो एसेंट्रिसिटी है वो जीरो होती है, कांस्टेंट रेशियो जो होता है वो जीरो होता है। मतलब लाइन सर्कल में आता ही नहीं है, क्योंकि अपन केवल एक पॉइंट से ही डिस्टेंस कांस्टेंट से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर एसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है इन केस ऑफ सर्कल, जब आपको इसको सर्कल बनाना होता है तो एसेंट्रिसिटी जीरो, और जब आपको इसको लाइन बनाना होता है तो एसेंट्रिसिटी हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, मतलब 1/0। ठीक है, सो ये आपने ध्यान में रखना है कि एसेंट्रिसिटी बस रेशियो को डिनोट करता है। अब वो रेशियो, एक तो बात मैंने करी, रेशियो या तो 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा। हो ये भी सकता है कि रेशियो 0 आ जाए, जब रेशियो 0 आएगा तो जो शेप बनेगी पॉइंट का, जो लोकस होगा वो सर्कल होगा, और यदि एसेंट्रिसिटी इन्फिनिटी हो जाती है तो फिर जो पॉइंट का लोकस होगा वो पेयर ऑफ लाइन को डिनोट करेगा, बोथ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, सॉरी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सर दो पॉइंट पी से एक पॉइंट, क्या बोला सर? दो पॉइंट पी और एस, अरे पी तो मूविंग पॉइंट है, वो काहे नहीं देंगे? पी जो है वो कर्व पे इक्वेशन होती है, तो पी मूविंग पॉइंट है, वो देना, वो देंगे ही नहीं क्वेश्चन में, वो तो आपने लिखना है हमेशा। दिस इज वेरिएबल पॉइंट, ये हमेशा एक्स कॉमा वाई लिया जाता है। तो जब कोनिक सेक्शन बोला जाएगा तो फिक्स पॉइंट आपको दिया ही दिया जाएगा, ठीक है, नहीं दिया जाएगा तो कुछ और दिया जाएगा आपको। देखो जैसे मैंने सर्कल में आपको बताया, सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपने दो ही बातों पे फोकस करना था कि कैसे भी करके सेंटर और रेडियस मिल जाए। यहां पर भी हम कोशिश यही करेंगे कि कैसे भी करके मेरे को फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन मिलना ही मिलना चाहिए। नहीं दिया होगा तो हम पहले यहां तक पहुंचेंगे, हम कैसे भी करके पहले डायरेक्ट्रिक्स निकालेंगे, फोकस निकालेंगे।
क्योंकि एक बार मेरे हाथ में डायरेक्ट्रिक्स और फोकस आ गया उसके बाद तो फिर मैं इक्वेशन लिख के ही आ जाऊँ। तो हो ये सकता है कि आपको डायरेक्टली फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ना दें, इनडायरेक्टली दें। तो हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि हम पहले फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालें। वंस वी गेट फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, मेरे को फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन मिल गया, तब तो फिर मेरा काम आसान है। तब तो मैं सीधी उठाऊंगा, डेफिनेशन लगा दूंगा, लगाऊंगा, ओपन सॉल्व करूंगा, एक्स वाई में एक रिलेशन मेरे को मिलेगा, वही रिलेशन आपका रिक्वायर्ड कॉनिक सेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मेन, जैसे सर्कल में आपने बात सीखी थी कि सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर रेडियस रिक्वायर्ड है, दो चीजें रिक्वायर्ड है। यहाँ पर कॉनिक सेक्शन के लिए आपने दो चीजें रिक्वायर्ड है, फोकस चाहिए और स्ट्रेट लाइन चाहिए। कैसे भी करके फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट निकालो। वंस यू गेट दीज टू, देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ एनी कॉनिक सेक्शन, जो भी आपसे पूछा गया है, पैराबोला, एलिप्स या फिर हाइपर। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब मैं एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, इसमें बड़ा ध्यान से समझिए, और कोई इसमें आपका सवाल है तो पूछ लीजिए। ये बात यहाँ पर लिख लेना जो अभी निकल के आई, कि फॉर सर्कल ई जीरो और फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है, पांच रिस्ट्रिक्शन है। मैंने आपको अभी कोन का सेक्शन करके बताया था, पांच कर, कि वो कोन का सेक्शन जब आप प्लेन से करते हो तो पेयर ऑफ लाइन भी बनता है, सर्कल भी बनता है, पैराबोला भी बनता है, एलिप्स भी बनता है और हाइपरबोला भी बनता है। पांच चीजें बनती है, पांचों के लिए कॉन्स्टेंट रेशियो मैंने लिखा है। ये ई मतलब एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी मतलब रेशियो पी एस और पी एम का। ऑलवेज पी एस टेक इन द न्यूमरेटर, पीएम हमेशा डिनोमिनेटर में लेना है। पहले मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे और फिर मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस लेंगे। फिक्स पॉइंट को फोकस, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। पी मूविंग पॉइंट है, कांस्टेंट रेशियो एसेंट्रिसिटी कहलाता है। पांच कर्व के लिए एसेंट्रिसिटी ये होती है। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर थर्ड, अब यदि मैं इस इक्वेशन को आगे लेके थोड़ा सा जाऊं, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये रूट ओवर ये स्क्वायर भी इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायरिंग मार देंगे बोथ साइड। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो आप इसको क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब पूरा अरेंज करोगे तो पूरा अरेंज करने के बाद जो इक्वेशन ये मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलती है, मैं उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर थ्री, एंड द पॉइंट इज कि आपको पॉइंट दिया था, आपको लाइन दी थी, पी एस बाय पी एम डेफिनेशन लगाया, लगाने के बाद हमको ऐसा इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये इक्वेशन मैं इसके आगे लिखता हूँ। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट इज ऑफ द फॉर्म विच इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में आएगा, तो ये आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी। जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक एक्स वाई वाला टर्म मिलेगा, एक वाई वाला वाई स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, एक एक्स वाला टर्म मिलेगा, एक वाई वाला टर्म मिलेगा और एक कॉन्स्टेंट टर्म। जब आप इस पूरे को खोलोगे, अरेंज करोगे, तो देन यू गेट कितने टर्म्स, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स वाई कॉन्स्टेंट और एक्स वाई, कितने टर्म्स मिलते हैं। एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म, इनके कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, जब आप इस, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा और आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहीं से आ गए, और फिर टू जी एक्स टू एफ वाई टू ए टू सी टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, तो उससे एक्स वाई वाला टर्म भी मिलेगा, एक्स वाला टर्म भी मिलेगा, वाई वाला टर्म भी मिलेगा और कांस्टेंट टर्म भी मिलेगा। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, देन यू गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन विच इज कॉल्ड द सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। इसी इक्वेशन को आप बोलते हो, ये कहलाता है सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन। ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन क्या है, तो वो आप समझिए इंपॉर्टेंटली। आपने जैसे पढ़ा कि फर्स्ट डिग्री का जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि आप 2D पढ़ रहे हैं, दो ही वेरिएबल हैं x और y, तो जब x और y पे हाईएस्ट पावर 1 1 का होगा तो उसको अपन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ये जनरल इक्वेशन बोलते हैं।
ax plus by plus c, और ax plus by plus c ये जो जनरल इक्वेशन है, दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन 2D. जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ax plus by plus c, दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सिंगल स्ट्रेट लाइन इन 2D. इसको अपन फर्स्ट डिग्री का जनरल इक्वेशन बोलते हैं. और ये जो कहलाता है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, क्योंकि इसमें x और y पे दो दो का भी पावर आ गया. ये सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन होती है. एंड दिस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, जैसे आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन केवल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही ये जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ये पांच कर्व को रिप्रेजेंट करता है. ये पेयर ऑफ लाइन भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है, ये इलिप्स भी हो सकता है, और ये हाइपरबोला भी हो सकता है. एक साथ ये पांच कर्व को रिप्रेजेंट कर सकता है. बस इसकी सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ए बी सी एच एफ जी, ये इतने अननोन है, इसमें छह अननोन है, ए बी सी है और एच एफ जी है. ये छह अननोन पे रिस्ट्रिक्शन अलग अलग डालोगे तो अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करता है. कभी ये सर्कल को, कभी पेयर ऑफ लाइन को, कभी इलिप्स को, कभी हाइपरबोला को, कभी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा. तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ऐसी कोई सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन दी होगी तो ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन को पेयर ऑफ लाइन बनने के लिए या सर्कल या इलिप्स या हाइपरबोला या पैराबोला बनने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस क्या है. तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट लिया था, एक फिक्स लाइन ली थी, डेफिनेशन लगाया था कॉनिक सेक्शन का, ऐसा इक्वेशन मिले था. इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मिला. दिस इज द सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन. अब आपको ये बता रहे हैं कि ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन कब लाइन बनाएगा, कब पैराबोला होगा, कब इलिप्स होगा, कब हाइपरबोला होगा, कब पैराबोला. ठीक है. इसमें आपको कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लीजिए. एक जो बात आपने जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ax plus by plus c ये कहलाता है फर्स्ट डिग्री जनरल इक्वेशन. ये फर्स्ट डिग्री का जनरल इक्वेशन या इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. और दिस लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन इन 2D. ये हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करे. जब आप ऐसे किसी इक्वेशन में ऐसे ही किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ऐसी ऐसी दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा. एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म, एक एक्स वाई वाला टर्म, एक एक्स वाला टर्म, एक वाई वाला टर्म, एक कॉन्स्टेंट. ये इक्वेशन कहलाएगा सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन. एंड दिस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन, जैसे फर्स्ट डिग्री जनरल इक्वेशन एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता था, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ये पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला या पेयर ऑफ लाइन कुछ भी हो सकता है. तो अब इनके लिए कंडीशंस क्या है वो अपन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. एच एफ जी कोई नंबर होंगे, एच एफ जी आर दी अननोन्स, क्वेश्चन पे दिए जाते हैं वो. तो अलग अलग सिचुएशन पे अपन बात कर रहे हैं. तो मैंने पी एस बराबर ई इंटू पी एम या पी एस अपॉन पी एम बराबर ई को सॉल्व किया, सॉल्व करके मैं यहाँ तक पहुंच गया. अब इस इक्वेशन को मान लो कभी क्वेश्चन में आ गया, ऐसी कोई इक्वेशन दी है और आपको ये पहचानने आए कि ये इक्वेशन किसकी इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है कि सर्कल है कि पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है. तो अब वो आप देखिए, सबसे पहली बात आप जब इसको पहचानने जाएंगे कि ये पांच कर्व में से कौन सा कर्व है, फर्स्ट यू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अलग होता है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई. अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है. सो अलजेब्रा की बात अपन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दो दो वेरिएबल है. तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट होता है, उस डिस्क्रिमिनेंट को अपन डेल्टा से डिनोट करते हैं, ये डेल्टा. और यहाँ पर जो डेल्टा का वैल्यू होता है होता है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच. दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट. और अब यदि आप ये नंबर, ये भी कोई नंबर होगा, चूंकि ए बी सी सब आपको इस सर्व में मिलेंगे,
एफ जी एच बी इस कर्व से मिल जाएंगे, मतलब आप यहाँ पर ए बी सी एच एफ जी का वैल्यू डालेंगे। डालने के बाद आप इसको चेक करोगे तो अब आप देखोगे कि इसकी वैल्यू या तो जीरो आ सकती है या नॉन जीरो आ सकती है, दो पोजीशन होंगी, इट इज आइदर जीरो और नॉन जीरो। तो मान लो आपने ये डेल्टा कैलकुलेट किया और इफ दिस डेल्टा बिकम जीरो, ये डेल्टा है डिस्क्रिमिनेंट, यदि ये जीरो आ जाता है तो फिर ये जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ये हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इफ ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इफ दिस वैल्यू बिकम जीरो देन दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब आप एक बात यहां पर समझे, इसी रोक रहे माइक म्यूट करो, तो देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, कि जब आपने डेल्टा कैलकुलेट किया और डेल्टा जीरो आ गया तो आप एक टेबल बनाइए, उससे आपको मैं याद कराता हूं। यहां पर अपन लिख रहे हैं कंडीशन, सीरियल नंबर का कॉलम रहे, और कोनिक सेक्शन किस टाइप का यहाँ पर बनता है, तो वो कोनिक सेक्शन की अपन यहाँ पर शेप लिख लेते हैं या नेचर ऑफ कोनिक लिख लेते हैं। नेचर ऑफ कोनिक, ये कंडीशन है। इन सारों में हम आपको बात कब कर रहे हैं, जब आपका डेल्टा जो है वो जीरो आ जाए। तो अब यदि डेल्टा जीरो हो और डेल्टा जीरो होने के साथ साथ जो ए बी माइनस एच स्क्वायर है वो भी जीरो हो जाता है, तो फिर ये पेयर ऑफ को इंसिडेंट लाइन पर है। तो पहला केस ये है, ऊपर तो हम ये डेल्टा जीरो लेके चल रहे हैं, अब इसी में साथ में ये आ गया कि ए बी माइनस एच स्क्वायर ये भी जीरो आ जाए, तो फिर ये दो लाइन्स रिप्रेजेंट करेंगी और उन दो लाइन का खासियत यह है कि पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब इफ दिस डेल्टा जीरो एंड ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी और एच, ये सब छह अननोन है, ए बी सी एच एफ डी सब यहीं से मिलेगा। अब आपने दो चीजें देखी, यदि डेल्टा भी जीरो आ जाए और साथ में ए बी माइनस एच स्क्वायर ये भी जीरो आ जाए, तब डेल्टा जीरो आएगा तो आपने बोला दो लाइन्स बनेंगे, वो दो लाइन्स की भी खासियत ये होंगे कि बोथ दी लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब आइडेंटिकल लाइंस होंगे, एक के ऊपर एक होंगे। इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दूसरा कंडीशन है कि मान लो यदि ये जीरो नहीं आता तो फिर वो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, सेकंड कंडीशन। इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, लिख लीजिए इसमें दिस इज पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, सर सबके लिए डेल्टा जीरो है। हाँ, क्योंकि ये दो लाइन बन रहा है ना, अब दो लाइन की मैं दो लाइन में भी वो पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूँ कि वो जो दो लाइन होंगी उन दो लाइन की पोजीशन कैसी होंगी। जैसे यदि डेल्टा जीरो आया तब तो दो लाइन बनेगी, अब दो लाइन बन गए तो दो लाइनों में कई सारी पोजीशन होती है, दो लाइन या तो एक दूसरे को यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या दो लाइन्स आइडेंटिकल होंगे या दो लाइन्स पैरेलल होंगे, तो वो सारी बातें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि दो लाइंस तो बनेंगे ही बनेंगे। अब यदि उन दो लाइनों में ये कंडीशन भी फुलफिल्ड होगा तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, यदि ए बी माइनस एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो देन दिस इज पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दो लाइन बनेंगे, दोनों भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। थर्ड कंडीशन है इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाता है तो आपको जो लाइंस मिलेंगे वो
वो लाइंस या तो रियल हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करें, रियल लाइंस मिलेंगे या फिर इमेजिनरी लाइंस मिलेंगे। और यदि ये हो गया कि ए बी, लास्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप निकालो और ये पॉजिटिव आ जाए, तब फिर वो एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब दोनों लाइन समाप्त हो जाएंगी एक पॉइंट पर आके, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज पॉजिटिव। मतलब कुल मिला के आपने तो डेल्टा कैलकुलेट करना है, डेल्टा आपने कैलकुलेट किया जीरो आ गया, तो फिर आप बोलोगे कि दो लाइन बनेंगी। अब वो दो लाइन में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो फिर आप ए बी माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। जब भी आप ए बी माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तब हो ये सकता है कि ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो आए या पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए या फिर नॉन जीरो आए। तो इनडायरेक्टली जब ये ऐसी कंडीशन बनेंगी, तो फिर लाइंस के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ये होंगे। मैं आप में इस पर एक पेयर ऑफ लाइन चैप्टर बताऊंगा, वो पेयर ऑफ लाइन में ये कंडीशन को मैं और डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल हमारा, मैं कोनिक सेक्शन पे ही बात करना चाह रहा हूँ। कोनिक सेक्शन का मतलब ये है कि सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनेगी, फिर ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन या तो पेयर ऑफ लाइन या सर्कल या पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला हो सकता है। तो आप इसका डेल्टा कैलकुलेट करोगे, मान लो डेल्टा जीरो आ गया, तब ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरी बात, अब मान लो डेल्टा जीरो नहीं आया, तब वो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला में से कोई एक बन सकता है। तो वो मैं कंडीशन अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बताओ आयुष क्या है? सर वो ए बी माइनस एच स्क्वायर कहाँ से आया? ए बी माइनस, ये तो एंगल का फॉर्मूला मैं आपको जब पेयर ऑफ लाइन बताऊंगा, तो वहां पर दो लाइनों के बीच में एंगल का फॉर्मूला 2√ over h² - ab / a + b होता है। और इफ लाइंस बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, मतलब आइडेंटिकल लाइंस हो जाएंगे, तो उनके बीच में एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो वो जो एंगल का फॉर्मूला जब आप बनाओगे वहां पर, तो वहां से ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब ए बी माइनस एच स्क्वायर बराबर जीरो आता है, इसलिए वो कंडीशन वहां से बना। तो ये सारी कंडीशन जब आप पेयर ऑफ लाइंस पढ़ोगे, तो वहां एंगल का फॉर्मूला बनाएंगे और एंगल बिकम्स जीरो, क्योंकि लाइंस कोइंसिडेंट हो गए। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक आ गए, तो दोनों लाइनों के बीच में एंगल जीरो हो गया। तो जब एंगल जीरो हो जाएगा, तो फिर ये कंडीशन आती है। तो ये सारी कंडीशन वहीं डिस्क्राइब होंगी जब अपन पेयर ऑफ लाइंस में एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ेंगे, वहां पर मैं डिस्क्राइब करूंगा। ओके सर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट इक्वेशन पे क्या करना पड़ेगा जो टू डिग्री बने? क्या बोले? वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन पे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो टू डिग्री बनेगा? वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, इसी को इससे एक बार और मल्टीप्लाई कर दो। ओके सर। सर सर सेकंड सेकंड जो कंडीशन है उसमें सर नॉट इक्वल्स टू जीरो दिया है, तो सर वो एक तो नेगेटिव होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा। हाँ, यही दो कंडीशंस है, दो लाइन बनेंगी, यही दो कंडीशन के लिए वो इक्वेशन है। क्योंकि मतलब यहाँ पर दो लाइन बनेंगी, अब दो लाइन जब आइडेंटिकल हो जाएंगी, मतलब वो एक ही लाइन दिखेगी इनडायरेक्टली, उसके लिए कंडीशन ये है। और यदि आपका ये नॉन जीरो आया, तब ये दो लाइन बनेंगे। अब वो दो लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, तो जब इंटरसेक्टिंग होंगे तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देगा, तो ये कंडीशन आपकी बनाएगी। या फिर वो लाइन्स आपके दो रियल लाइन्स होंगे, तो फिर उसके लिए कंडीशन ये है। मतलब ये इनडायरेक्टली जो नीचे की तीन बातें हैं ये सेम है, मतलब इनडायरेक्टली दो ही बातें हैं कि आपने ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालना है, वो जीरो आएगा या नॉन जीरो आएगा। जीरो आएगा तब पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे, नॉन जीरो आएगा तब वो दो लाइन बनेंगी। अब वो दो लाइन की खासियत क्या है, तो वो और बाइफरकेट करती है, मतलब इनडायरेक्टली ये जो कंडीशन है इन दोनों में बाइफरकेट करती है। सर थर्ड केस में ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो, तो फिर उसको कब बोलेंगे कि रियल और कब बोलेंगे कि इमेजिनरी है? वो आगे पेयर ऑफ लाइन में मैं बताऊंगा कि कब ये रियल आते हैं और कब ये इमेजिनरी आते हैं। और कोई डाउट किसी को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन अगली बात करें, बेसिक जो अपन को कोनिक सेक्शन में पढ़ना है, क्योंकि ये सारा तो पेयर ऑफ लाइन से रिप्रेजेंटेड है। मैंने आपको केवल ये बताया कि पी एस बराबर ई इंटू पी एम करोगे, करने के बाद सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन मिलेगी। सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन एक साथ पांच कर्व को रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला हो सकता है। कब ये पेयर ऑफ लाइन होगा, कब सर्कल होगा, कब पैराबोला होगा, कब एलिप्स होगा, तो वो सब डिपेंड करेगा डेल्टा पर।
फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा, मान लो डेल्टा जीरो आ गया तब ये पेयर ऑफ लाइन जीरो पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब जो है वो ये है कि अब इसको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला, ये चार में से कुछ भी बनने के लिए ये डेल्टा नॉन जीरो आना चाहिए। तो आगे जब भी मैं अब आप रिस्ट्रिक्शन लिखूंगा तो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन में यही लिखूंगा कि डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि व्हेन डेल्टा बिकम जीरो देन दिस बिकम्स टू पेयर ऑफ लाइन, तब ये दो लाइन्स में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि अब डेल्टा इस इक्वेशन को सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला बनना है, तब आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये नॉन जीरो आना चाहिए। तो आगे की सारी कंडीशंस में मेरा डेल्टा जो है वो नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, सो पेज नंबर चार पे चल रहे हैं और इसमें अपन बात कर रहे हैं इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। सर जो सेकंड फोर्थ वाला पॉइंट है उसमें दोनों लाइन या पॉइंट बना देंगे क्या? हाँ, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं इसलिए पॉइंट बोल देते हैं उसको। सर एक बार ये डेल्टा वाली इक्वेशन सर, यस फोर्थ पेज पे आइए। हाँ बोलो ऋषभ। सर अपन ने कोइंसिडेंट के लिए भी पढ़ा, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए भी पढ़ा, लेकिन पैरेलल लाइंस के लिए कोई कंडीशन नहीं होंगी? पैरेलल के लिए वही है, यही सेम कंडीशन पैरेलल के लिए भी है, क्योंकि पैरेलल और कोइंसिडेंट दोनों में जो लाइंस हैं वो कैसे हो जाते हैं, एंगल बिटवीन लाइंस बिकम जीरो, और इसलिए ये जो कंडीशन है ये पैरेलल के लिए भी यूज करते और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी यूज करते। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन और आता है जब पैरेलल बिकम्स कोइंसिडेंट, क्योंकि लाइंस पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, और जीरो जब बन जाएगा तो जो आपको बताया था एंगल का फॉर्मूला 2√h²-ab/a+b, उस h²-ab का वैल्यू जो है वो जीरो आता है। तो लाइंस कोइंसिडेंट लेंगे या फिर पैरेलल लेंगे तो दोनों जो कंडीशन है वो एंगल के फॉर्मूला से बनाई गई, इसलिए कंडीशन ये बनती है। अब पैरेलल और आइडेंटिकल में बाइफरकेशन करना है, तो आइडेंटिकल में तो आप ये जानते हो कि दो लाइंस यदि आइडेंटिकल है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो आगे आपने अभी बहुत कुछ सीखना है कि जब सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आएगा तो उससे दो लाइंस कैसे निकालेंगे। तो आप एक चीज ये कर सकते हो कि उससे दो लाइंस निकालेंगे और उसमें आप देखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो लाइंस आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक, अदरवाइज में जब सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन आएगी तो वहां पे भी एक कंडीशन बताऊंगा कि ये दो आइडेंटिकल लाइंस को रिप्रेजेंट जब करेगा तो इसके साथ एक और कंडीशन आती है। फिलहाल तो मैंने आपको ये बोला है बस कि दिस इज दी नेसेसरी कंडीशन फॉर आइडेंटिकल लाइन बट नॉट दी सफिशिएंट कंडीशन। जब ए बी माइनस एच स्क्वायर आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि लाइंस या तो पैरेलल हो गई हो या फिर लाइंस आइडेंटिकल हो गई। तो मैं ऋषभ। हाँ सर, तो फिलहाल अपन पैरेलल के लिए और दोनों के लिए यही लेके चलेंगे ना? अभी अभी तो मैं केवल ये बात कर रहा हूँ कि जब ए बी माइनस एच स्क्वायर आपने निकाला और ए बी माइनस एच स्क्वायर आपका जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल भी हो सकते हैं या कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं। पैरेलल वर्ड भी आप ऑब्लिक करके लिख सकते हो यहाँ। ओके सर। ओके सर, पेज नंबर चार अब अपन बात कर रहे हैं कि मान लो आपका डेल्टा जीरो नहीं आया, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा, कंडीशन मैं यही रख रहा हूँ और यहाँ पर हमने डेल्टा निकाला और सपोज अपन डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब आपको बताया तब ये तो या तो सर्कल बनेगा या पैराबोला या एलिप्स या हाइपरबोला। सर वो डेल्टा की इक्वेशन तब ये या तो सर्कल बनेगा या पैराबोला बनेगा या एलिप्स बनेगा या हाइपरबोला। अब आपसे ये बात करें कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो सब में है, ये आप बात याद रखें, जितने भी करो यहाँ पर लिख रहा हूँ सबके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। अब सबसे पहली बात कि ये जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ये कब सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैंने आपको सर्कल जब पढ़ाया था तो सर्कल की जनरल इक्वेशन में जो कंडीशन लगती है वो यही कंडीशन कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए पहली बात, और दूसरी बात ये है ए और बी कैसे होना चाहिए बराबर, और तीसरी बात एच क्या होना चाहिए। यदि इस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन में इतनी खासियत आ गई कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम डाल दूं और एच को जीरो डाल दूं, तो ये देखिए
यदि मैं ए और बी की जगह पर वन डाल देता हूँ और एच को जीरो डाल देता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी मतलब सर्कल की जनरल इक्वेशन बन जाती है। तो ये इक्वेशन को सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए ये कंडीशन मैं आपको पहले बताया था कि सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी क्यों होता है। उसका रीजन ये है कि इसमें ए और बी बराबर होना चाहिए और एच क्या होना चाहिए जीरो। मतलब हमेशा सर्कल की जब भी आप इक्वेशन देखोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम होता है और साथ में सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाला कोई भी टर्म नहीं आता है। तो ये दो रिस्ट्रिक्शन डाल के वी गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यदि ये डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए और ये कंडीशन भी फुलफिल्ड हो जाए तब ये जो नेचर ऑफ कॉनिक होगा ये होगा सर्कल, तब ये सर्कुलर शेप में होगा मतलब एक सर्कल फॉर्म करेगा। सेकेंड थिंग आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आए और फिर से आप ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालें और ए बी माइनस एच स्क्वायर यदि जीरो आ जाए तब ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला। ये आपने ए बी माइनस एच स्क्वायर इसके पहले भी लिखा था बट वहां पर डेल्टा जीरो था। अब मैं तब लिख रहा हूँ जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आया और साथ में ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो आ गया तो फिर ये आपका पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो ये ए बी माइनस एच स्क्वायर पॉजिटिव आया तब ये इलिप्स रिप्रेजेंट करता है। ए बी माइनस एच स्क्वायर नेगेटिव आया तब ये हाइपरबोला बनेगा। ए बी माइनस एच स्क्वायर नेगेटिव आया और ए प्लस बी जीरो आया तब इसमें हाइपरबोला में एक और हाइपरबोला होता है कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हाइपरबोला के भी दो फॉर्म है, एक हाइपरबोला होता है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में केवल इतना फर्क है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी का जो कोएफिशिएंट का सम है वो हमेशा जीरो। ए और बी का सम हमेशा जीरो का मतलब ये हो गया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो है वो न्यूमेरिकली सेम और साइन में अपोजिट होते हैं। मतलब मैं यदि टू एक्स स्क्वायर लिखूं और यहाँ पे माइनस टू वाई स्क्वायर लिखूं, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, तो आप देख रहे हो कि ए प्लस बी का वैल्यू जीरो आ गया तो फिर वो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होगा। प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्शन ये भी होना जरूरी है ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो होगा तो हाइपरबोला ही बनेगा, लेकिन ये हाइपरबोला भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा जब ए प्लस बी जीरो होगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन वो मैं आपको जब हाइपरबोला बताऊंगा तब वहां पर अपन क्लियर करेंगे। फिलहाल हमने ये सीखा कि ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन भी हो सकती है, सर्कल पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला भी हो सकती है। ये सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन को सर्कल पैराबोला एलिप्स और हाइपरबोला बनने के लिए सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन है डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आफ्टर दिस वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये जीरो आ गया तो पैराबोला बनेगा, पॉजिटिव आया तो एलिप्स, नेगेटिव आया हाइपरबोला, और यदि इसमें ए बी बराबर हो गया और एच जीरो हो गया तो फिर वो सर्कल को रिप्रेजेंट करे। तो दीज आर द डिफरेंट सिचुएशन जब ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए। डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव कुछ भी चलेगा। सर ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो तो ए और बी दोनों इक्वल्स टू जीरो भी रह सकते ना? नहीं नहीं, तब यदि दोनों को जीरो डाल दोगे तब तो वो लाइन में चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हाँ वो ठीक है, यदि आप ये इसकी बात नहीं करें तो ए और बी दोनों को जीरो डाल दे रहे हो तो यदि मैं ऐसा इक्वेशन लिखूं एक्स प्लस वाई प्लस एनी नंबर तो वो हाइपरबोला बनता है रेक्टेंगुलर, मतलब ए और बी दोनों भी जीरो ले सकते हो वो भी चलेगा। हाँ सर, मतलब
मतलब आगे देखोगे आप हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसे भी लिखी जाती है कि उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म ही नहीं होते, केवल एक्स वाई वाला टर्म होता है और एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस थ्री ऐसा कुछ मैं लिख दूं तो फिर वो हाइपरबोला बनेगा ही बनेगा। और कोई डाउट? चलिए उसको बंद कर दीजिए, ये नंबर पांच पे अपन चलते हैं। तो देखिए अभी तक आपने सबसे पहले पेज पे कोनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं इसका पीछे रीजन फाइंड आउट किया, फिर पांच टाइप के कोनिक सेक्शन आपके बनेंगे, पेयर ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। और उसके बाद अपन ने कोनिक सेक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, सारे पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला सबके लिए डेफिनेशन यही है कि आपको एक फिक्स पॉइंट चाहिए, एक फिक्स लाइन चाहिए। फिक्स पॉइंट का, फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट रेशियो को एसेंट्रिसिटी बोलेंगे, ई से डिनोट करेंगे, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलेंगे, एस से डिनोट करेंगे, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और पी एस अपॉन पी एम बराबर ई हमेशा लेके चलेंगे। ई एसेंट्रिसिटी है, पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी वन होती है, एलिप्स के लिए लेस देन वन, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन वन होती है। जब अपन पी एस अपॉन ई इंटू पी एम को फर्दर सॉल्व करेंगे सो वी गेट दिस टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन। अब इस सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन का आपने डेल्टा कैलकुलेट करना है, डेल्टा को चेक करना है जीरो आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो आएगा तब ये इन चारों कर्म में से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि जीरो आएगा तब वो पेयर ऑफ लाइन बनाएगा। बस इतनी सी बात हमने देखी है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कोनिक सेक्शन का, मतलब बार बार ये चीजें आपको जब कोनिक सेक्शन आप पढ़ोगे तो इनडायरेक्टली सबसे पहली बात तो जो कोनिक सेक्शन आपको सिलेबस में है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब आपको दो फॉर्म में कोनिक सेक्शन है, तीसरा फॉर्म जो है कोनिक सेक्शन का आपको सिलेबस में नहीं है। तीसरे फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक तो कोनिक सेक्शन में जैसे मैं आगे पैराबोला आपको पढ़ाऊंगा, तो एक तो पैराबोला आपने ये पढ़ना है जो आप अभी तक पढ़ते भी आए हो कि वहां पर जो शेप होती है पैराबोला की वो इस तरीके से होता है, मतलब ये जो पैराबोला का वर्टिक्स है ये ओरिजिन पर होता है, तो ऐसे चार शेप होते हैं, तो ये कहलाता है स्टैंडर्ड पैराबोला। इसमें एक सिचुएशन और होंगी, ये मैं पैराबोला के वर्टेक्स को उठा के किसी क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड या थर्ड या फोर्थ किसी क्वाड्रेंट में शिफ्ट करूंगा, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो एक सिचुएशन ये होगी कि मैं पूरा पैराबोला उठा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आया, मतलब इसके वर्टेक्स को मैंने किसी वर्टेक्स पे शिफ्ट कर दिया, मतलब जीरो जीरो को मैंने अल्फा बीटा पे शिफ्ट कर दिया। तो एक सिचुएशन ये स्टैंडर्ड है, ये शिफ्टिंग के बाद है। और तीसरी सिचुएशन जो है वो वहां से सिलेबस से हटा दी गई है। तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि जब आप पैराबोला को शिफ्ट भी करें और शिफ्ट करने के साथ साथ रोटेट भी कर दें, तो रोटेट के जब करोगे तो पैराबोला की इक्वेशन ऐसी बनेगी, ये पैराबोला बना, इसमें वर्टेक्स शिफ्ट भी हो गया और इसकी जो एक्सिस है वो रोटेट भी होगी, मतलब रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा है इसमें और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी लगा है। तो इस पे आपको डिस्कशन नहीं करना, ये है ही नहीं सिलेबस, बहुत रेयर क्वेश्चन एडवांस लेवल में यदि आप पूछोगे तो फिर ये मिलेगा, वहां भी नहीं पूछते क्योंकि सिलेबस में कहीं दिया ही नहीं गया। तो आपको ये दो बहुत क्लियरली इसमें पढ़ना है और आप जब पढ़ोगे इनको तो आप देखोगे बहुत, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि जब कर्व ऐसी होगी और जब कर्व ऐसी होगी, मतलब इन दो सिचुएशन में एक्स वाई वाला टर्म नहीं आता, एक्स वाई वाला सर्कल में तो एक्स वाई वाला टर्म आता ही नहीं। अब बचा पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तीन कर्व। अब इन तीन कर्व में एक्स वाई वाली टर्म आएगी कि नहीं आएगी, तो एक्स वाई वाली टर्म इन दो केसेस में नहीं आता, मतलब जब आपका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो या वर्टेक्स को आपने पैरेलली शिफ्ट किया, ऐसे दो कर्व में आप देखोगे कहीं भी चाहे वो एलिप्स हो, पैराबोला हो या हाइपरबोला हो, एक्स वाई वाले टर्म नहीं है। एक्स वाई वाला टर्म आया है यदि किसी कोनिक सेक्शन के इक्वेशन में, तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि जो कोन है, जो कोनिक सेक्शन है वो इस तरीके से रोटेट करके भी बना हुआ है। और ये जो शेप मैंने बताया है ये पैराबोला में अभी आपने पढ़ा, यही एलिप्स में भी होगा, यही हाइपरबोला, क्योंकि एलिप्स भी आपका इस तरीके से बन जाएगा कि एलिप्स है, शिफ्ट कर दिया तो एलिप्स यहाँ पर आ गया और जब रोटेट करोगे तो एलिप्स ये बनेगा, सेम हाइपरबोला में भी होगा। तो जहां पे भी
किसी कर्व की इक्वेशन आपको लिखी है और वो कर्व की इक्वेशन में आप ये देख रहे हो डेल्टा जीरो नहीं आया और साथ में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा, तो फिर ये पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला। अब वो आप जब कर्व की इक्वेशन रीड करोगे तो उसमें आप देखोगे कि एक्स वाई वाला टर्म है कि नहीं। यदि एक्स वाई वाला टर्म नहीं है तब तो आपको जो कर्व है वो स्टैंडर्ड दे रखी है, और यदि एक्स वाई वाला टर्म आ गया तब आप ये समझ लो कि जो कर्व है वो इस तरीके से रोटेट करके बना हुआ है। तो एक्स वाई वाला टर्म बहुत रेयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, और यदि मिला है तब ये समझिएगा कि वो रोटेट करके बनाया गया इलिप्स। तो ये पूरा डिस्कशन अब हम आगे करेंगे। फिलहाल तो हमने आज केवल इंट्रोडक्शन आपको दिया है, कॉनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन है और कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। कॉनिक सेक्शन के डेफिनेशन को जब आप इक्वेशन में लिखेंगे तो ऐसी सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनेगी। ये जो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है ये जब किसी कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब पेयर ऑफ लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, तो इन पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो मैंने आपको बताया। अब आगे चल के हम एक एक कॉनिक सेक्शन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो कल से हमारा जो पोर्शन है वो पैराबोला का पोर्शन में शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कर लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। सर 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 हाँ बोलो ऋषि। सर वो डेल्टा वाली, सर वो डेल्टा वाली इक्वेशन क्या बोल रहे हो? डेल्टा वाली, डेल्टा वाली। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय सर। सर थैंक यू सर। ये लिखा तो है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर। वो जब पेयर ऑफ लाइन बताएंगे तब वहां पर दो लाइंस की इक्वेशन मैं लिखूंगा, उनका कंबाइंड फॉर्म बताऊंगा, और वहां से अपन ये डेल्टा का रिस्ट्रिक्शन निकालेंगे। और वहीं से आया है कि यदि डेल्टा जीरो होता है जब ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यदि दो लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो डेल्टा नॉन जीरो आएगा। तो इसी डेल्टा को वहां से रिस्ट्रिक्शन से लाया गया, ठीक है, पेयर ऑफ लाइन की रिस्ट्रिक्शन से आता है। तो वहां पर आपको जब पेयर ऑफ लाइन बताएंगे तो वहां पर इसको क्लियर करेंगे। ओके सर, बाय सर। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय, गुड नाइट। ऋतिक रोशन यादव।